everyone, this is RK Rock and I'm talking about Kopchi. Kopchi, Kopchi, Kopchi. Us Kopchi mein le jo bakwas karte sala kaam kare na koi je bas dhos de is sala. Jo bhi kare aisi waisi baat de use mukalat. Ye kabhi boom kabhi wax kabhi boom kabhi wax. Jo bhi kare aisi waisi baat de use mukalat. Sehna nahi zulm sehna nahi rehna nahi chup rehna nahi. Wo neta ya abhineta इंसानियत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता नहीं होता नहीं होता hey! इस कोपचे में ले जो बकवास करे साला काम करे ना कोई जो बस धौंस दे साला नहीं उससे जुड़ी हुई है उससे हम इंस्पायर है एक प्लॉट है लेकिन टोटली फिल्म जो है वो हार्दिक पटेल के ऊपर नहीं है ये फिल्म आज के यूथ के ऊपर है जो बेरोजगार है वो रोजगार पाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है एक्चुअली ये लड़ाई सिस्टम से है जो हमारा सिस्टम है वो एकदम करप्ट हो चुका है भ्रष्टाचार के खिलाफ है जो आज भी हमारे देश में कहीं दलित है दलितों को नहीं मिलता आप जाके देखिए यूपी हो या कहाँ पे बिहार हो तो उसको उस लेवल को आपने किस तरह से जस्टिफाई किया दलितों के आप ऐसे नहीं कह सकते कि दलितों को नहीं मिलता अत्याचार होता है कई जगह पर आप अगर आप नहीं दलितों के ऊपर भी अत्याचार होता है लेकिन जब दलित होता है तो उसके ऊपर आवाज ज्यादा उठा जाती है अत्याचार सबके ऊपर हो रहा है जरूरी नहीं है कि दलित के ऊपर हो रहा है लेकिन दलित शब्द ऐसा यूज कर रहे हैं आजकल के पॉलिटिशियन एक सपोर्ट ले रहे हैं उसको वोटिंग सपोर्ट जबकि दलित या अपर क्लास या लोअर क्लास ये सब हटा देना चाहिए मतलब देखिए आप हमारे देश का तौर पर आर्थिक तौर पर सभी को मदद मिलनी चाहिए ना कि जाति को शूटिंग हमारी पूरी गुजरात में वडोदरा में कोई हमारे प्रोड्यूसर वहां पे थे तो उनको वहां इजी था इसलिए वहां पे शूट किया प्रोडक्शन कर फंसती है गाने हैं गाने हैं गाने हैं गाने की जरूरत है मुकुल देव है कुलभूषण जी हैं उनके बारे में कैरेक्टर जो है उनके जो है एक्सपोज होंगे आप फिल्म देखेंगे फिल्म आ जाएगी उसमें देखिए आप उन्होंने क्या काम किया है किस हिसाब से किया लेकिन उनका सपोर्ट हमारे लिए बहुत अच्छा रहा मोदी जी की कुछ है जी नहीं मोदी जी के लिए नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं दिखाया नहीं उनका ओरिजिनल उनका ओरिजिनल हम लोगों ने नहीं लगाया कुलभूषण जी ऐसे ही है खुद वो फिल्म कर रहे थे साउथ में कोई उसके लिए उन्होंने वो गेटअप रखा था तो बोला कि मैं ये काटूंगा नहीं मैं काटूंगा नहीं फिल्म क्या मैसेज दे रहा आरक्षण हटाने का नहीं आरक्षण हटाने का नहीं दे रहा बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है उसके लिए है और अगर आरक्षण आरक्षण जरूरी है सबके लिए जरूरी है आर्थिक तौर पर आरक्षण होना चाहिए ना कि जाति के आधार एक्चुअली कहीं ना कहीं हर रोज कोई ना कोई रिजर्वेशन से जूझ रहा है तो एक ऐसे यूथ की कहानी है एक ऐसे लड़के की कहानी है जो सब कुछ पाने के बाद भी सब कुछ अचीव करने के बाद भी मार्क्स अचीव करने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन तो ये उसी की लड़ाई है बताया जा रहा कि ये गुजरात के देश की कहानी हार्दिक पटेल की कहानी है क्या कहना चाहिए इस पर ये गुजरात कुछ हद तक आप उठा सकते हो कि हमने एक प्लॉट उठाया लेकिन ये अगर कहेंगे कि हार्दिक पटेल की कहानी है तो ऐसा नहीं है हमने एक प्लॉट उठाया है कहीं ना कहीं से हम लोग एक प्लॉट उठाते हैं कि किसी भी एक मुद्दे को उठाना पड़ता है तो हमने गुजरात के जो रिसेंटली रिजर्वेशन राइट्स हुए थे उसको हमने उठाया है और इस मूवी के थ्रू दिखाया है तो जैसे कि गुजरात में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे सर देखो हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है किसी जाति के लोगों से नहीं है ये पर्टिकुलर लड़ाई है रिजर्वेशन के लिए क्योंकि रिजर्वेशन इस देश में आर्थिक तौर पर होना चाहिए ना कि जातिगत क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी कोई किसी जाति से कोई किसी जाति से लेकिन धनी है जो ये फिल्म है वो एक ऐसा मैसेज दे रही है कि रिजर्वेशन से बिल्कुल अलग गया है आप काबिल हो अपने आप आपको जो आपको अचीव कर रहा है वो अपने आप मिलेगा एक फिल्म ऐसे आरक्षण पर पर्टिकुलर आरक्षण के अंदर तो एक पर्टिकुलर जाति को दिखाया था कि आप इस जाति के हो आप छोटे कस्बे के हो या छोटे लोग हो इस मूवी के अंदर ऐसा नहीं है ये मूवी सभी के लिए आप भी अगर इस मूवी को देखेंगे आपने कॉलेज पास आउट किया होगा अपनी पढ़ाई करी होगी आपको अपना कॉलेज अपनी स्टडी याद आ जाएगी इस मूवी को देखते हुए कि आफ्टर ग्रेजुएशन आपको किस चीजों से जूझना पड़ा
मंडल आयोग से लेके अभी तक जो आरक्षण ने बताया और जो बच्चे मरे, आपकी फिल्म देखने के बाद क्या फिर एक आर्टी लड़ी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि विदाउट आरक्षण भी आप लोग इतने काबिल हैं अपनी स्टडी को लेकर, अपने और सोशल एक्टिविटीज को लेकर, कि आप जो भी आपको अचीव करना है आप अचीव कर सकते हैं। रिजर्वेशन को अगर आप अपने मन में रखोगे कि रिजर्वेशन को मुझे सपोर्ट मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये तो समस्या है, आपने इसमें कुछ समाधान भी बताए? बहुत से समाधान है ऐसे, जैसे आप मूवी देखेंगे तो आपको बहुत पता लगेगा मूवी के बारे में। अभी मैं सारी चीजें डिस्क्लोज करूंगा। आरक्षण को कैसे परिभाषित करेंगे आप? आरक्षण को इस तरीके से परिभाषित करेंगे कि देखिए, पिछले जितने भी मुद्दे हुए, जैसे गुर्जर आंदोलन हुआ था या हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ, वो सब एक पर्टिकुलर बहुत गंदी लड़ाई थी जिससे देश का नुकसान हुआ। इस मूवी के अंदर हमने ऐसा कुछ नहीं दिखाया जिससे देश का नुकसान हो। सिर्फ इसके अंदर हमने दिखाया कि एक लड़का है जो लोगों तक अपनी बात फैला रहा है कि इस चीज़ को खत्म करो, हम लोग इस चीज़ से काफ़ी उठ चुके हैं। ये आज का भारत है, आज के भारत के अंदर हम आज भी अगर पिछली तबके के लोगों की सोच को समझेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब सब एजुकेटेड लोग हैं, तो वही चीज़ हमने इस चीज़ में दिखाई है कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई के पीछे भागो, आरक्षण वारक्षण कुछ भी नहीं होता। भारत का एक भी नेता आरक्षण के फेवर में नहीं, इसके बारे में आते हैं? देखिए, अब ये तो एक वो सवाल हो गया। सोनिया गांधी हो, मायावती हो, कोई भी हो, एक व्यक्ति भी आरक्षण के फेवर में नहीं है, आप क्या मानते हैं? मैं देखो, आरक्षण के फेवर में नहीं आना तो ये हो गया, कहीं ना कहीं देखो सारे नेताओं के भी कहीं ना कहीं तो साठ गांठ होती है और सारी वोटिंग पॉलिटिक्स है। तो कि अगर आपने एक तबके को आरक्षण खत्म करके राजी कर दिया और एक तबके को नाराज कर दिया, तो ये तो सब पॉलिटिक्स की लड़ाई है। इसमें मैं क्या मतलब, बहुत से पहले भी प्रयास किए गए हैं और बहुत से प्रयास अब भी जारी हैं, तो इसके ऊपर तो कहना। देखो, आंदोलन एक हमने प्लॉट उठाया है, उससे रिलेटेड नहीं कह सकते इसको। हार्दिक पटेल के पूरे कंटेंट है फिल्म के अंदर, आप ये कहना चाहेंगे? ये एक हार्दिक पटेल, ये सिर्फ एक बंदा है जो गुजरात से रिलेट करता है, गुजरात की कहानी ही है। और सिंपल एक लड़का है जो एजुकेशन का मारा है, एजुकेशन बहुत अच्छी ली है, लेकिन सिस्टम ने उसको इतना ख़राब कर दिया है कि सिस्टम, देखो दो चीज़ें होती है, एक तो सिस्टम आप इंसान को बना देता है और एक बिगाड़ देता है। इस पर हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो सिस्टम के खिलाफ हार्दिक पटेल भी लड़ रहा है, तो क्या कहानी इसके लेकर पोस्टर भी दिखाई दे रहा है पूरी तरह से? मोदी जी के भी पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। ये मोदी जी नहीं है, कुलभूषण करवंदा जी है। आप इधर कितना बनाया गया? ये देखो, ये तो एक अट्रैक्शन होता है मूवी के लिए। कोई भी डायरेक्टर होता है उसका एक विजन होता है कि अपने आर्टिस्ट को कैसा लुक दे, तो ये हमारे डायरेक्टर सर जो है वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि उन्होंने किस विजन को रखते हुए इस मूवी का पूरी स्टोरी का निर्माण किया है। और देखो, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को दिखाने के लिए कुछ कैरेक्टर ऐसे बनाने पड़ते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, वही आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने कुछ ऐसा लुक, हम लोगों ने लुक लिए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर, आप कुछ बताइए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी इधर आएंगे आप। आरक्षण में आपकी क्या भूमिका है? मैं एक रिपोर्टर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और सारी जगह न्यूज़ देखती हूँ, बाकी आप देख लेना। कितनी तैयारी की जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे लाइव, अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे थे तो कितनी तैयारी की आपने वहाँ से किरदार को निभाने के लिए? क्योंकि आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है देश का और बीजेपी भी आरक्षण हटाना चाहता है, तो आपने कितनी तैयारी की? एक्चुअली ये कैरेक्टर मैं फर्स्ट टाइम प्ले कर रही थी, तो इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा तैयारी की थी इसके लिए और सब कुछ यू नो डिटेल्स में जानना पड़ता है, और फिर आप लोग सब कुछ बोल भी नहीं सकते व्हेन आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक होना पड़ता है इसके लिए। किसी डिश की थी आपने, किसी जर्नलिस्ट की, किसी जर्नलिस्ट या किसी हमारे डायरेक्टर सर जगी जी, ही ओनली हेल्प मी आउट फॉर एवरीथिंग। आप कितना बिलीव करते हैं आरक्षण में, देश में ये आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
आरक्षण नहीं होना चाहिए। क्यों आपको क्यों लगता है क्यों नहीं होना चाहिए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्यों नहीं आपको, क्या आप आरक्षण के शिकार हुए थे? बताओ क्यों मतलब? हाँ, आरक्षण नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। और इंडिया में, हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा है, मतलब बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं है। मतलब हर चीज़ में कास्ट हो गया, हर चीज़ को लेकर सब जगह आरक्षण ही है। तो ये सब होना ही नहीं चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए हर चीज़ को लेकर, समानता का अधिकार होना चाहिए। सर आप बताइए आपका किस तरह का रोल है इस फिल्म में, कुछ आपके बारे में? करिकुलर बिरजू प्रसाद का, जो कि कॉमेडियन मान सकते हैं और ज़्यादा लेट नहीं पढ़ने में, बट उसके 45% मार्क होते हैं और उसको नौकरी मिल जाती है, और यहाँ पे 98% मार्क्स हैं फिर भी उनको नौकरी नहीं मिलती। मैं तो कहता हूँ आरक्षण का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए सर, तो आरक्षण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये कॉलम ये डालना चाहिए फॉर्म से कि आरक्षण के लिए आपका 45% तो आपको जॉब मिल जाए, और यहाँ पर पढ़ाई रहेगा 80% आते मान उनको जॉब नहीं मिलेगी। मेरा मानना ये है कि कोई भी आरक्षण, आरक्षण से अगर कोई डॉक्टर बना है तो वो खुद अपने बेटे का इलाज नहीं करेगा, या कोई भी इंसान किसी भी आरक्षण की डिग्री लेकर कोई भी कोई चीज़ अचीव करिए तो उससे कोई काम नहीं कराएगा। बिकॉज आपको क्यों लगा कि आरक्षण पर फिल्म बननी चाहिए, क्यों लगा, क्या कारण थे? देखो हर मूवी का एक मैसेज होता है, पिछले आप अगर 5-10 साल से देखेंगे तो हमारे देश का बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। गुजर आंदोलन हुआ तो रेल की पटरियाँ हटा दी गई, वहाँ भी लोग मारे गए। हरियाणा में हुआ तो पूरा रोहतक जला दिया गया, वो बेकसूर लोग जो हाईवे से जा रहे थे उनके साथ लूटपाट की गई। गुजरात के अंदर भी यूं हुआ। तो ये एक ऐसा मैसेज देने वाले थे हम लोग कि इस चीज़ से लोगों के अंदर ये शिक्षा आए कि इस चीज़ को करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लड़ाई लड़नी है ना तो अपने सिस्टम के खिलाफ लड़ो, सिस्टम को इतना मजबूत बनाओ कि आप लोग खुद अगर उस पोस्ट पर पहुँचो तो आप लोग भी कुछ अच्छा कर सको। हार्दिक पटेल पर है, इसका कॉन्टेंट लिया गया है, हार्दिक पटेल हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी में रहे हैं, आप क्या कहना चाहिए इस पर? वो कुछ नहीं बोलेगा, प्रोड्यूसर हाजिर नहीं है। ये बता दीजिए दिल से बनाई है दिमाग से बनाई दिमाग में घुस गई है। देखो उसके गुजरात के इलेक्शन भी आने वाले अगले साल, तो ये गुजरात देखो तैयार हो, हम लोग तैयार हैं इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि देखो कोई भी चीज एक आउटपुट एक अच्छा बनता है तो उसके साथ नेगेटिविटी चीज़ें भी लोग होते हैं जो करते हैं, और एक पॉजिटिविटी भी आती है, तो हम उस पॉजिटिविटी के लिए बिल्कुल तैयार हैं जो लोगों से हमेशा हमको मिलती आई है, और उस नेगेटिविटी से लड़ने के लिए भी हम लोग तैयार हैं जो ऑलमोस्ट हमारे सामने कई बार आती है, जिसका सामना हमें करना पड़ता है, तो हम हर तरीके से तैयार हैं। नहीं, सेंसर हमारी मूवी सेंसर हो गई है, सेंसर के अंदर काफ़ी तकलीफें आई थी और कुछ बहुत से कट्स हमें मिले हैं, ऑडियो कट्स भी मिले हैं, वीडियो कट्स भी मिले हैं, उन सारी चीज़ों को पार करते हुए, मतलब एक एक स्टेप पार करते हुए हमारी मूवी आज सेंसर हो चुकी है, और आज मीडिया से रूबरू होने का हमें मौका मिला और हमारी बातों को कहने का मौका मिला, उसके लिए थैंक्स टू ऑल प्रेस। फिल्म कब तक रिलीज हो रही है? फिल्म रिलीज हम लोगों ने अभी डेट डिसाइड करी नहीं है, लेकिन जल्द ही हम लोग आप लोगों को फिर से इनवाइट करेंगे।